Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. रात हो चुकी है, आप लोगों को कैसी लगी हंगरी की जो जितनी सीरीज जितना वीडियो डाले, आई होप आपने देख ले होंगे, आपको अच्छी लगी होगी। और उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको कि आप कैसे जा सकते हो स्टेप बाई स्टेप और कैसे आ सकते हो, तो अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अभी हमको लगी है भूख, हमको जाना है कुछ खाने, तो सोच रहे हैं बना, तो आज बनाने का मन नहीं है, मतलब सामान भी नहीं है बनाने जितने, तो आज बाहर ही खाने का सोच रहे हैं। तो चले आकाश, कहाँ चले? मैकडोनल्ड्स बर्गर खा लेते, बहुत टाइम हो गया। मैकडोनल्ड्स बर्गर सबसे अच्छी, पता है हंगरी में क्या चीज़ हुई? चलो घूमा एंजॉय किया वो तो ठीक है, लेकिन इंडियन फूड मिल गया वहाँ पे, रोटियाँ मिल गई थी, नान मिल गए थे ब्रो। सबसे अच्छी बात भाई, इंडियन मैंने कितने 1.5 महीने बाद रोटी खाई है, तो बड़ा मज़ा आया भाई सीरियसली। और वहाँ का रोटी खाने और वहाँ का सबसे बढ़िया था कश्मीर बूफे भाई, एक नंबर था वो यार, बस मुंह में पानी आ जाता है वो नाम सुन के। अब तो मेरे ठंड बहुत है यहाँ पे, और यहाँ की सिचुएशन की बात करें तो ठीक है, अभी भी नॉर्मल ही है, इतना वो नहीं है, ठीक है। लाइट वाइट अब इतना नहीं जा रही जितना पहले जाती, पहले तो बहुत ज़्यादा जाती थी, अभी नॉर्मल 5 से 6 घंटे जा रही है, पहले 8 से 10 घंटे जाती थी। तो अभी चलते हैं, कोई नहीं है बस में, सब प्राइवेट, दिस इज प्राइवेट बस भाई। टर्नो बिल खाली हो गया, और ज़्यादा हो रहा है ना, तो सब भाग गए डर के, सिर्फ हम दोनों ही बचे। देख हम दोनों ही ट्रेवल करेंगे इस बस में, और कोई नहीं है यहाँ पे, देख लो बस हम दोनों ही ट्रेवल कर रहे हैं, और कार बस चल भी रही है देख लो, और हम दोनों ही हैं यहाँ पे, इट्स आवर प्राइवेट बस, देख लो भाई पूरा शहर खाली हो गया है, पूरा शहर खाली है, दिखाता हूँ आपको। बस है खाली है पूरी, ठीक है, ये आकाश है, पूरी बस खाली है, और इधर भी देखो कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा आपको, एक इंसान नहीं दिखेगा आपको, एक इंसान भी नहीं। क्या चला रहा है गाड़ी? कैमरा तो रख लेता है। क्या ही गाड़ी चला रहा है भाई, ये पकड़ना। तो गाइस क्या ही बोले हम, अच्छा लग रहा है टर्नो भी लागे अभी हमें, बट यहाँ पे कोई नहीं दिखता यार, सबसे बड़ी वो है भाई, वहाँ जाके इतना सुकून मिल रहा था हमको कि लोग बाग है, लाइटिंग है वहाँ पे सड़कों में, स्ट्रीट लाइट देख के इतना खुश हुए थे हम यार, बट आना तो हमें यही था, पढ़ना भी यही है हमें, अभी 5th ईयर में है तो कुछ नहीं कर सकते, ये भी बुरा नहीं है। हाँ ये भी बुरा नहीं है, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे भी टाइम, अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे भी, अभी एक तरह से 4 साल हो गए हमें रहते हुए यहाँ पे, तो बुरा तो नहीं लगेगा इतना, यहाँ पे अच्छा ही लग रहा है हमें, तो कुछ भी हो, हाँ घर तो घर होता है यार अपना भाई। आज भी मैकडी बंद है, पार्ट टू दुख का ही ख़त्म नहीं होता, दुख का ही ख़त्म नहीं होता इन यूक्रेन इट्स पार्ट टू भाई। आज तो रोडों में कोई नहीं है, बिल्कुल ही कोई नहीं है, लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये इस मतलब इस सिटी में सिर्फ हम दो ही बचे पैदल चलने वाले, कोई नहीं दिख रहा लिटरली, आपको दिखाता हूँ। सड़कें खाली है भाई, ये पूरी रोड खाली है, कोई नहीं है, दूर दूर तक आकाश है बस, कोई नहीं है, सुनसान जगह घूमते हैं हम भाई, कोई नहीं रहता जहाँ हम रहते हैं, बस हम दो ही हैं यहाँ पर भटकते आत्मा, और कोई नहीं है भाई। हम सुपरमार्केट में हैं, ये दिन कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी होगा यहाँ पे, देखो दिखाता हूँ, तो पूरा नोज खाली, कोई नहीं है आकाश और मैं, कोई बंदा ही नहीं है यहाँ पे, पूरा खाली है, एक दो मुश्किल से बंदे, बाकी पूरा खाली है भाई, कभी नहीं सोचा था ऐसा खाली रहेगा पूरा। देखो यहाँ पे काम करने वाले हैं थोड़े बहुत, और कोई भी नहीं है, पूरा खाली है, देखो सब गाइस, नया दिन नई शुरुआत, नया दिन तो नहीं है, शाम हो गई है, और हवा बहुत तेज चल रही है भाई, आपको पता नहीं आवाज़ आएगी या नहीं, अभी डॉलर चेंज करवाना है, फिर अभी डॉलर चेंज करवाते हैं, और फीस के भी डॉलर आए हुए हैं किसी दोस्त के मेरे परिवार से, तो वो भी निकलवाना है, बस मैं सोचा चलो थोड़ा आपके साथ शेयर किया जाए, हम लोकल और देखते हैं आज क्या प्राइस मिल रही है, पैसे वैसे चेंज करवाती है। 40 60 40 50 50 60 मिल रहा था, 65 तक मिल रहा था, तो कुछ क्या चलो भाई, एक चीज़ बताता हूँ आपको, अभी हम मेरे पास था $20 के, चला तो लिए अपने नोट, बट उसने प्राइस कम दी है, लाइक $4 में 45 ग्रेम ऐसे कम देते हैं वो,
मैंने कहा चल रहा है वही बड़ी बात है, तो हमने चेंज करवा लिया। आप ये लोग ये ध्यान रखना, जब आप डॉलर लो ना बैंक से या किसी से भी इंडिया में, तो एकदम फ्रेश होने चाहिए वो डॉलर, लाइक एग्जैक्ट न्यू। अभी दिखाता हूँ कैसे होने चाहिए, क्योंकि वो गंदे थे बहुत। तो वो बोलता है कि इस डॉलर, बट क्या बोला था, इज नॉट गुड, गुड डॉलर, गुड डॉलर, तो वैसे लुकिंग गुड, लुकिंग गुड, ऐसा कुछ। तो बोला अच्छा ठीक है भाई, दे दे तू जितना देना चाहे दे दे, अब क्या एक बोले उनको। तो फिर 45 ग्रेवन कम दिया उसने। अभी हम चलते हैं, चश्मा मेरी टूट गई थी, आपको पता ही होगा, हंगरी का व्लॉग देखा है तो आपने, तो अभी इसको यहाँ पे ठीक करवाएंगे, क्योंकि अभी मैं अंधा हो रखा हूँ। अंधा तो नहीं हो रखा, क्योंकि मेरे पास इंडिया से एक्स्ट्रा लेके आया था मैं, तो एक ईयर ही इंडिया से लाया था एक्स्ट्रा, वो भी करवा लेता हूँ सही, बिकॉज दो होना ज़रूरी है। कभी भी एक गुम जाए या कुछ भी हो जाए, टूट जाए, तो उसको भी सही करवा के रखते हैं। बिल्डिंग जहाँ पे हमारा चश्मा ठीक होगा दिखाता हूँ। तो ये बिल्डिंग है, इस पे अपन को जाना है 7th फ्लोर पे, है ना। हीरो लग रहा है तेरा भाई, भाई रोड क्रॉस करना है तो बोल दे, डंडा देंगे। कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई? मैंने कभी चश्मा में फोटो नहीं डाले यार, बट ये महंगी बहुत है, अच्छी लग रही है। कितने ग्रेवन की है? वैसे तो मेरे हाथ का मेल है। 1300 ग्रेवन। क्या बोल रहे? वैसे तो हाथ का मेल है ना, तुम तो यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर। वाह भाई वाह, लग अच्छी रही यार। इंडिया के कितना हो गया, 2600 2700 2800। क्वालिटी अच्छी है ना। हाँ, ये कैसी लग रही है? मस्त अच्छी है यार, यहाँ पर कलेक्शन अच्छा है। बता इसकी प्राइस कितनी है? 1200 ग्रेम है, 2500 रुपये की, 2500 में सिर्फ फ्रेम फ्रेम है। कल के चासूस इसकी ठीक हो गई भाई, टूट गई थी पूरा, ठीक हो गई भाई ने कर दी। दूसरे तक क्यों दो बजे में आपको बता दी, मैंने सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लिया, 2 मिनट में करके आपको दे दिया, जितने में हमने चश्मा देखी। और पैसे की बात करें तो 40 ग्रेवन लिए इन्होंने, इंडिया के वही 100 रुपये के बराबर। अभी लिफ्ट आ गई है, चलते हैं। ये लिफ्ट है भाई, इतनी बड़ी लिफ्ट है, दिखाता हूँ आपको। तो दिस वन लिफ्ट, और देखो आकाश कितना दूर है, मेरा हाथ इतना बड़ी है, मतलब ये लिफ्ट कैसा लग रहा है? जब हम फर्स्ट टाइम में आए थे ना यहाँ पे, शायद सेकंड ईयर में आए थे, फर्स्ट ईयर में, तब इसका बिल्डिंग का काम चल रहा था। चश्मा ठीक हो गई, चलो शुक्र है, नहीं तो मैं तो उम्मीद ही खो दी थी। मेरा गया ये चश्मा, पूरे पैसे गए, बट अच्छी बात है ठीक हो गया। हेलो गाइस, क्या वो अभी हमने सोचा चलो आपको थोड़ा सा हॉस्टल का जो हम कैसे खाना बनाते हैं यू नो, तो वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो अभी पहले बर्तन धोना पड़ेगा आकाश, नहीं तो मेरे को छोड़ेगा नहीं। बर्तन धो रहा हूँ भाई, वो बर्तन अभी धो दिए, थोड़े बहुत दे दिए इधर, और थोड़े और धोने, वो धोते फिर खाना स्टार्ट करेंगे बनाना। ये हमारी प्रिपरेशन चल रही है, और आज का शेफ है आकाश। क्या बना रहा है ब्रो? पनीर टिक्का मसाला। पनीर टिक्का मसाला देख लो, और ये इधर बैठ चुके हैं। ये हमारा किचन का टूल खरीदा हूँ, ये गेट है, वहाँ से एंटर, ये फ्रिज है कॉमन, कोई भी यूज़ कर सकता है, बट अभी चालू नहीं किया बिकॉज ठंड है बहुत, फालतू में क्यों चलाना। और ये ऐसे ये रखने के लिए सामान, ये गैस है, एक में चार है, 1 2 3 4 ऐसे 8 बर्नर है यहाँ पे टोटल। और ये किचन है,
इसमें क्या क्या डालेगा? सारे मसाले पेस्ट करके अभी मिक्स कर देंगे। देखो भाई मैं सही बता देता हूँ, ये है चिकन, ठीक है, ये हैवी खाता चिकन। मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। जो तुम इतना चिकन जिसके लिए आकाश झूठ मत बोला तो देखो आई एम प्योर वेजिटेरियन बट इन इंडिया नॉट इन यूरोप। ओके ब्रो, अभी मेरे घर वाले भी देख रहे हैं, वो लोग कॉल आई गया तो गई हो अभी कॉल आने वाला होगा थोड़ी देर में। कोई ना, मैंने बोल रखा है कि मैं बाहर तो खाऊंगा यार, प्रोटीन की कमी हो जाती है भाई यहाँ पे, दूध भी नहीं पीते अपन इतना घर पे। तो चलो मम्मी डेली दूध पिला देती थी, बहुत प्योर वेज अंडा है, प्योर वेज अंडा है। चलो दो अंडे डालेंगे इसमें ना, प्रोटीन ही प्रोटीन है भाई, एक तो ब्रेस्ट है प्योर प्रोटीन, फिर ये ऊपर से प्रोटीन। और देखो भाई हमने क्रिसमस वाला चाकू लिया था, चाकू कितने ग्रेव 60 ग्रेविन का चाकू है, मस्त चाकू है, मेरी पसंद का चाकू है भाई। प्योर वेजिटेरियन लोग भी है, देख नहीं पाएंगे बट डॉक्टर तो सब चीज़ें देख करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तो अपन को तो इतना वो नहीं है। पर ठंड नहीं पड़ रही आकाश है ना, इतनी ठंड नहीं है भाई, नाम नहीं ले सकता बट RUSS। ओ भाई की अम्मा आ गई। तो रेफ्यूजी है जो उधर जहाँ पे अटैक हुआ था, वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं हॉस्टल में हमारे साथ, तो हम इनके साथ रहते हैं बेचारे। देखो इनकी एज देखो यार कितने, मतलब 150 वगैरह उधर से ये लोग बहुत एज लोग हैं। और ये मतलब ऐसे खुद अपने एक का तो आर्मी में इनका बेटा है ना, तो वो मिलने आता है कभी कभी, बहुत पहले आया था, एक दो महीने पहले आया था मिलने। खुद खाना बनाते हैं, खुद अकेले रहते हैं, कोई नहीं है यहाँ पे, फैमिली नहीं है ये एक तरह से। डैडी बोल रहे हैं कि हम सीटी से डर जाते हैं, जो उस कुकर की सीटी होती है तो वो को डर लगता है भाई कुकर की सीटी से, तो बोल रहे थे कि हम डर जाते हैं तो क्योंकि इनके पास कुकर नहीं होता, यहाँ पे कुकर नहीं होता, हम सब जो भी कुकर लाते हैं वो इंडिया से लेके आते हैं, मतलब फ्राई करके, और अब इसकी जो नॉर्मल होते हैं ना वैसी सब्जी बन जाएगी बस यही है, और फिर चावल बना लेंगे उसके साथ खा लेंगे। तो भी दिखा देता हूँ आपको कैसा कलर आया है इनका, तो ये कलर है भाई मास्टर पीस कलर का है आकाश, और ऐसे बन रहा है, लोग बन जाएगा, खा भी लेंगे हम। बट आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे न्यू हो तो क्या करना है पता है ना, सब्सक्राइब करके जाना, और ऐसी मोर अपडेट आती रहेगी, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं लाइव भी आता रहता हूँ और पूरा लाइव दिखाता रहता हूँ यहाँ का, तो बेल आइकन ऑन करके रखना। बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।